please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. केरल और कर्नाटक के कई जिलों में बाढ़ से हुई तबाही ने देश का ध्यान एक बड़े खतरे की तरफ खींचा है। लगातार पहाड़ों पर हो रहे खनन को, माइनिंग को केरल की तबाही की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि पत्थर और रेत निकालने के लिए होने वाली माइनिंग पहाड़ों को कमजोर कर रही है और माना जा रहा है कि यही माइनिंग इस तबाही की सबसे बड़ी वजह है। केरल और कर्नाटक के कुछ जिलों में आई तबाही की तस्वीरें हैरान करने वाली थी। बड़े बड़े पहाड़ों को लोगों ने रेत के टीलों की तरह ढहते हुए देखा। मजबूत पहाड़ों पर जिन घरों की नींव थी वो ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए दिखे। पेड़ों और जंगलों से ढके बड़े बड़े पहाड़ों को मैदान में तब्दील होते हुए देखा। आंकड़े दावा करते हैं कि केरल की बाढ़ में मरने वाले 373 लोगों में ज्यादातर की मौत पहाड़ों के खिसकने से ही हुई। कई लोग तो पहाड़ों पर बने अपने सपनों के घरों में मौत की नींद सो गए। कुछ लोग ऐसे रहे जिनका पीछा करते हुए बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ मौत पहुंच गई। मलप्पुरम, वायनाड और इडुक्की केरल के ऐसे जिले रहे जहां तबाही सबसे ज्यादा हुई। ध्यान देने की बात यह है कि ये वही जिले हैं जहां सड़कें बनाने के लिए, पर्यटन के लिए या फिर पत्थर निकालने के लिए पहाड़ों को खूब काटा गया। यूं तो सीधा सीधा कहा जा सकता है कि बारिश इतनी हुई कि पहाड़ तक हिलने लगे या फिर बारिश इतनी हुई कि बड़े बड़े पहाड़ बह गए। लेकिन हकीकत यह है कि कुदरत ने हर आफत से निपटने के लिए रास्ता भी पहले से तैयार किया हुआ है और पहाड़ इतने कमजोर नहीं होते कि बारिश आने पर उनके हिस्से टूटकर बिखरने लगे। लेकिन केरल में जो हुआ वो पूरे देश के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है और पूरे देश के लिए एक सबक भी है, क्योंकि जानकारों का दावा है कि पहाड़ों से पत्थर निकालने के लिए हो रही माइनिंग पहाड़ों के अंदर का ढांचा बिगाड़ रही है। खनन अवैध हो या वैध हो, प्रकृति के सीने पर कुदाल चला रहा है। प्राकृतिक रूप से पहाड़ अंदर से मजबूती से जुड़े होते हैं, लेकिन बार बार पहाड़ पर होने वाले विस्फोट और माइनिंग के दूसरे तरीके पत्थरों की पकड़ कमजोर कर देते हैं, यानी पहाड़ों के अंदर पत्थर की पकड़ ढीली हो जाती है जो पहाड़ को कमजोर बना देती है। इसी वजह से बारिश का एक थपेड़ा पूरे पहाड़ को झकझोर कर रख देता है। कभी पहाड़ के हिस्से टूट कर गिरते हैं तो कभी पूरे के पूरे पहाड़ गायब हो जाते हैं। पहाड़ों पर अगर कोई निर्माण किया गया है तो वो भी पलक झपकते ही गायब हो जाता है। ये बातें अब इसलिए आसानी से समझी जा सकती हैं क्योंकि ये भविष्य की चिंता करने वाली कोई रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ऐसी तबाही की जड़ है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। केरल में पहाड़ों से आई प्रलय को इसलिए हम कुदरत का इंतकाम भी कह रहे हैं, जिसकी भविष्यवाणी कई साल पहले की जा चुकी थी। लेकिन सरकारों ने इसे सीधा सीधा खारिज कर दिया। ये रिपोर्ट भारत के पश्चिमी घाटों पर शोध के लिए बनाई गई गाडगिल कमेटी की थी। 2011 में इस कमेटी ने देश के 6 राज्यों में विकास की कई योजनाओं पर रोक लगाने की सिफारिश की थी, क्योंकि इन राज्यों में विकास के नाम पर पहाड़ों में हो रही तोड़फोड़ बड़ी तबाही की वजह बन सकती है। इन 6 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल हैं। केरल में पहाड़ों को काटकर नदियों का कुदरती बहाव मोड़ा गया। रेत निकालने के लिए होने वाली माइनिंग से जमीनें कमजोर हो गईं, ऊपर से पहाड़ों की कमजोरी। बरसात से लड़ने के लिए राज्य की कुदरती ताकत तो जैसे बची ही नहीं। केरल ही नहीं, कर्नाटक में भी तबाही का सबब कमोबेश यही रहा। सबसे ज्यादा तबाही झेलने वाला कोडगु जिला रहा। कोडगु की तबाही की न्यूज 18 के ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि तबाही की वजह पहाड़ ही बने। पहाड़ों के टूटने से पूरे के पूरे शहर गायब हो गए। तबाही के बाद बड़े बड़े घरों के केवल खिड़की दरवाजे ही पहाड़ों की लाल रेत में यहाँ वहाँ पड़े दिखाई दिए। 2011 की इस रिपोर्ट को राज्य सरकारों ने तो खारिज कर दिया, लेकिन नतीजा अब सबके सामने है। हकीकत तो ये है कि देश के हर हिस्से में हो रही पहाड़ों की कटाई और लगातार हो रहा खनन बड़ी मुसीबत को न्योता साबित होगा। इसीलिए पूरे देश को माइनिंग के असर को समझने की जरूरत है, क्योंकि भारी बारिश का सामना अब उत्तर भारत भी कर रहा है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने जिंदगी को हाशिए पर पहुंचा दिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में लहरों के गुस्से की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जब एक इंडियन ऑयल का टैंकर लहरों के साथ बहता हुआ दिखा। नदियों में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से लहरें बेहद रफ्तार से बह रही थी। पहले तो टैंकर सड़क से बहता हुआ पानी के बीच पहुंच गया और कुछ ही देर में लहरें भी भारी भरकम टैंकर को अपने साथ किसी नाव की तरह बहाकर ले जाने लगी। किनारे पर कुछ लोग खड़े थे, लेकिन तमाशबीन बने रहने के अलावा किसी के बस में कुछ नहीं था। पुलिस ने इस जगह पर पहुंचने वाले रास्ते को बंद किया हुआ था, लेकिन दावा किया जा रहा है कि पुलिस के रोकने के बावजूद टैंकर का ड्राइवर नहीं माना। हमारे पुलिस के कर्मचारी भी पीछे थे जो बैक करवा रहे थे, लेकिन इसने नहीं माना और तेजी से टैंकर लेकर जो है कोटावली का जो अस्थायी टेम्परेरी जो एक व्यवस्था बनाई गई है उस पर चला गया, जहाँ जो है बहाव तेज होने की वजह से ये बह गया और संभवतः इसमें 4-5 लोग थे। ये भी साफ नहीं है कि टैंकर में मौजूद ड्राइवर और उसके साथी टैंकर से निकल पाए या नहीं निकल पाए, लेकिन माना जा रहा है कि टैंकर में मौजूद लोग वक्त पर कूदने में कामयाब रहे। गरिमत ये भी है कि ये टैंकर खाली था, वरना नदी के पानी में तेल बहने से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था।
लेकिन हरिद्वार में बहा टैंकर तो उत्तराखंड पर मंडरा रहे बड़े संकट की केवल आहट भर है, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि शनिवार तक का वक्त उत्तराखंड के लिए भारी है। और माना जा रहा है कि शनिवार शाम तक उत्तराखंड के कई हिस्सों में जोरदार बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में बरसात होगी, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां बारिश इतनी होगी कि तबाही की वजह बन सकती है। लेकिन उत्तराखंड के लिए ये अनुमान बड़ी चिंता की वजह इसलिए है क्योंकि पहले से राज्य में बारिश से हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। उत्तराखंड से गुजरने वाले कई नेशनल हाईवे बंद पड़े हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ों के हिस्से टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। हाईवे के बंद होने से हेमकुंड साहिब की यात्रा पर पहुंचे यात्री फंसे हुए हैं, इसलिए बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से हाईवे को खोलने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन पहाड़ लगातार टूट रहे हैं। उत्तराखंड में तो बारिश पहले से ही इस कदर नुकसान पहुंचा चुकी है कि पिछले एक महीने से एक गांव के लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रहने को मजबूर हैं। ये गांव उत्तराखंड के चमोली जिले का है, जहां तेज बरसात आई थी। बारिश के बाद करीब से गुजरने वाले एक नाले का पानी गांव के नीचे की जमीन को अपने साथ बहा कर ले गया। नतीजा ये हुआ कि मकानों के नीचे दरारें दिखने लगी, मजबूत घर टेढ़े हो गए, खूबसूरत मकानों के मजबूत पिलर तक अपनी जगह पर नहीं रहे। जान पर संकट महसूस हुआ तो लोग घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। 15 जुलाई को जब जो नजदीकी गदेरा है, जो बरसाती नाला जिसे हम कह सकते हैं जंगल से, उसमें बहुत ज्यादा पानी आया और उसने इस गांव की नीचे की जो जमीन है उसको पूरी तरीके से काट दिया। अब प्रशासन ने घरों से काफी दूर टेंट लगाए हैं। 9 टेंट में गांव के 60 परिवार बसे हैं। घर, गृहस्थी, परिवार, सब कुछ टेंट ही हैं। बहुत डर लगती है, बच्चे छोटे सब सब ये रहते हैं, कैसे हमारे कम्बल भी दिए, हमारा खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कैसे रहेंगे हम तो। आपको बारिश बहुत होती है तो धरती जो है, मकान जो है, स्लेट खाते हैं, नीचे को स्लेट खाते हैं, इसलिए डर के ये सब है। घरों को ठीक करने का काम तब शुरू होगा जब बारिश का मौसम खत्म होगा, लेकिन अगर मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ तो बचे हुए घर भी बारिश के पानी के साथ बह सकते हैं। तो उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बारिश के बाद तबाही की तस्वीर देखने को मिली। यूपी के बागपत में एक अंडरपास के नीचे एक यूपी रोडवेज की बस फंस गई, जो यात्रियों से भरी हुई थी। अंडरपास में 6 फीट से ज्यादा पानी भरा था, लेकिन ड्राइवर को पानी का अंदाजा नहीं हुआ और उसने अंडरपास से गुजरने की कोशिश की। बस में सवार लोगों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर अंडरपास में बिताने के बाद बस को पानी से निकालने के लिए एक मशीन बुलाई गई। मशीन का हुक बस में बांधने के लिए एक शख्स को पानी से होकर बस तक पहुंचना पड़ा। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद बस को अंडरपास से बाहर खींचने में कामयाबी मिल गई। हालात उन्नाव में भी खराब है। शहर की सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा है। सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल की केवल सीट ही दिखाई देती है। बदहाली का आलम यह है कि उन्नाव का अस्पताल तक पानी से लबालब है। कोई बीमार अगर अस्पताल पहुंचने की कोशिश करे तो भी बीमारी की चपेट में आ जाए। दिल्ली के मंडावली में एक लड़की ने दुबलेपन की वजह से खुदकुशी कर ली। पुलिस को उसके पास से बिना हस्ताक्षर के एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने बताया कि वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन दुबलेपन के कारण वो हर जगह अपमानित हुई। पुलिस को उसके मोबाइल से पता चला कि वो यूट्यूब पर फांसी लगाने के तरीके देखा करती थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस को आशंका है कि डिप्रेशन की वजह से लड़की ने ये कदम उठाया है।